गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पैरों में जो नीचे पिंडलियां होती हैं उसमें कभी कभी देखा जाता है अचानक से ऐंठन उत्पन्न होने लगती है, यानी मांसपेशियां ऐसा लगती है कि एकदम से अकड़ गई है और चलना फिरना भी दुभर हो जाता है। यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो उससे लंबे समय का भी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये अचानक से होने वाली ये जो समस्या है, आखिर ये क्यों होती है? देखिए, बोझ उठाने वाले उलिए और ज़्यादा सफ़र करने वालों को, दौड़ लगाने वालों को ये रोग होता है। जी, कभी कभी जिम करने वाले बच्चों के साथ भी इस तरीके की समस्या आने लगती वो है। एक ही बात आ गई। जी देखिए, जिम ऐसे तो कहा कि भाई ये सेहत बनाने के लिए, परंतु जिम का मैं बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ कि जिम केवल उनके लिए है जिन्हें गदेलों पे सोना है। जी हर एक के लिए जिम ठीक नहीं है, इससे रोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, नब्ज में जो चीज़ मैं पकड़ता हूँ मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं पर्दे के पीछे नहीं कहता। इसमें से 100 में से 60% का पेट खराब हो रहा है, उनकी नब्ज अपनी जगह से हट गई, बजाय शरीर को स्वस्थ करने के रोग और ले लिया। तो ये जो नसें फूल जाती हैं, कुंड पड़ जाते हैं, पुंडाल बोलते हैं इसको, और नसें जैसे रस्सा होता है ऐसे मोटी पड़ जाती हैं, इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में क्या, आयुर्वेद यूनानी में किसी में नहीं है। क्योंकि जब रोगी हर जगह इलाज करा के थक जाता है तब मेरे पास आता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, यहाँ पे ना तो कागज़ पत्र लाना पड़ता है ना मुँह से बोलना पड़ता है। यहाँ का नियम है, मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग पाया जाता है वो रोगी को बताया जाता है, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। और जिस दिन रोगी आता है, दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो उसी दिन इसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। अब जिनकी ये नसें फूल गई हैं उनको चाहिए कि सुबह ही आग जलाएं, और आग जला करके जो उसकी राख है गर्म, उसके अंदर आप मूली को जैसे आलू भूनने के लिए दबाते हैं ऐसे दबा दें। 10 मिनट के बाद वो आपकी मूली गर्म राख में नरम पड़ जाएगी, टाइट नहीं रहेगी। फिर आप उसको निकाल करके अच्छी तरह साफ करके, और जैसे बैंगन को भरता बनाते हैं ऐसे इसका भरता बनाना है, यानी इसको बिल्कुल मसल करके इसके अंदर पत्ता गोभी भी काट के मिला सकते हैं, और प्याज को भी कुतर करके मिला सकते हैं। इसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और टमाटर का इसके अंदर जूस मिलाना है। अब इसका भोग लगाएंगे आप सुबह खाली पेट, तो इसके अंदर जाने से जो आपके अंदर आयरन की कमी थी वो पूरी होगी। आयरन की कमी से जो शरीर में ये नसें फूलती हैं, आयरन, तांबा, ये आपके शरीर में पूरा तो शरीर में चमक रहेगी, परंतु इसमें कमी पड़ जाए तो शरीर जो है पीलेपन पे आ जाता है। अब इस क्रिया को आप प्रतिदिन करेंगे तो 15-20 दिन में जो आपकी नसें फूली हुई थी वो जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर के उसका छोटा सा सुराख करके हवा निकाल देते, गुब्बारा सिकुड़ जाता है, ऐसे नसें अपने आकार में आ जाती। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये कम से कम 1 महीना 1.5 महीना आपको लगेगा। और उस टाइम आपने वजन नहीं उठाना, वजन उठाएंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें और शाम का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लें। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना है। खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। उसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया,
पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब पानी आपको गर्म लहसुन प्याज अदरक के साथ मिल रहा है खाने के साथ, तो आपके लीवर में कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पड़ेगा। लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा, किडनी आपके फ्रेश खून बना के तिली को देगी, तिली जाके दिल को देगी, रोग कोई होगा नहीं। जब खून स्वस्थ दिल को मिल रहा है और पूरे शरीर में स्वस्थ खून जो है भ्रमण कर रहा है, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता भरपूर होती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, हमें रोग ही कोई नहीं। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो हमें रोग बढ़ता है। अब आप इसमें जीभ का स्वाद ज़्यादा नहीं देखना, चिकनाहट जितनी कम से कम लेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। लाल मिर्च हरी मिर्च से बिल्कुल दूर हो जाए, काली मिर्च आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। और ऐसे भी सुबह उठ करके 3 या 5 दाने काली मिर्च के पीस करके गुनगुने पानी से या दूध से यदि आप सुबह लेते हैं, तो ये आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक के 100 रोगों को समाप्त करती है काली मिर्च। परंतु सुबह खाली पेट का काम है। सब्जी में, दालों में, मसालों में सबसे ज़्यादा काली मिर्च ही प्रयोग में लाई जाती है, बाकी चीज़ें सब कम मात्रा में लाई जाती है। काली मिर्च ना तो गर्म है, ना ये ठंडी है, तरगर्म है। और इसके अंदर की विशेषता है कि जिसको भी ये दी जाती है उसको कभी भी फोड़ा फूंड से नहीं निकलते जी। ये भी इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है। और लाल मिर्च खाने वाले को, हरी मिर्च खाने वालों को चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा निकलती हैं, कील मुहसे ज़्यादा निकलते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देना। अब आप जब मूली का भरता खा रहे हैं, तो जहाँ पे डॉक्टरों को आपने 1000 रुपए दिए हैं वहाँ से लाभ नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए आपको जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे जितनी देर तक नशा उस दवाई का असर रहता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे राम है। परंतु जैसे दवाई का नशा समाप्त होता है तो आराम नहीं मिलता, रोग और बढ़ता है। परंतु जो मैंने मुरली का उपचार आपको बताया, ये इस रोग को ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। और जो रात को ठीक 9 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्री का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उजई, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन बलोन करता है, इसको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ता, ना ही इसको कोई रोग होता है। फिर यदि आपके पास टाइम है तो एक दो मिनट मंडुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सभासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रिया कर लें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा।